विख्यात नाम उपन्यासकार प्रेमचंद की कहानियों में गांधीवाद है, गांधी दर्शन है। कुछ लोग उनकी कहानियों के एक दो वाक्य को लेकर के उन्हें प्रेमचंद को कम्युनिस्ट बताते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। प्रेमचंद की कहानियों को, उपन्यासों को तीन भागों में बांटा जाता है, गांधी युग के पूर्व, गांधी युगीन, उत्तर गांधी युगीन। तो गांधी युगीन उपन्यासों में प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि आदि आती है, और इन सभी में गांधी दर्शन दिखाई देता है। प्रेमचंद का गांधी से परिचय महात्मा गांधी के दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने के बाद में हुआ। वे उनसे मिले, उनके मिलने के बाद में उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी से मिलने के बाद कोई ऐसा नहीं होगा जो बगैर उनका हुआ लौट आए। या तो वह सबके हैं या वह अपनी ओर सबको खींच लेते हैं। इसके पश्चात प्रेमचंद असहयोग आंदोलन से जुड़े। इसके लिए उन्होंने अपनी 20 साल की नौकरी भी छोड़ दी। वे जेल जाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को लेकर के आंदोलनरत रही और जेल गई। प्रेमचंद गांधी जी की आदर्श नीति, नैतिकता को ज्यादा बल देते थे। अपनी कहानियों में, उपन्यासों में इस पर ज्यादा जोर देते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेमचंद अंधभक्त थे, गांधी जी के अंधभक्त थे। जब असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया, तब प्रेमचंद ने महात्मा गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर उन्हें पता नहीं था कि जमीनी हकीकत क्या है, तो यह बहुत बड़ा कसूर है। ऐसे ही वे उनकी इस बात के लिए भी आलोचना करते थे कि बेहतरी आवाज, इसे गांधी जी बहुत महत्व देते थे, लेकिन प्रेमचंद इससे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। फिर भी प्रेमचंद के साहित्य में गांधी पूरी तरह से झलकते हैं। जब महात्मा गांधी भारत में आए, तब प्रेमचंद ने उनके लिए लिखा था, महात्मा गांधी के पदार्पण से भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक विचित्र स्फूर्ति और सजीवता का विकास हुआ है। यह बात सही भी है। उसके पहले कांग्रेस पार्टी ज्ञापन देना, मीटिंग करना यही करती थी, और बड़े लोगों की पार्टी थी। महात्मा गांधी ने इसे निचले तबके तक, गरीब तक, मजदूर किसान तक पहुंचाया और उसे जन जन की पार्टी बनाया। और जो बड़े लोग थे वे भी उनके साथ में जुड़ गए, कंधे से कंधा मिला करके लड़ने लगे। प्रेमचंद ने एक जगह पे गांधी जी को लेकर के बहुत ही सटीक टिप्पणी की है। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद तथा गांधी का जन्म लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। इन सभी ने काफी परेशानियां तथा लड़ाइयां लड़ी है। अब यह गांधी युग है और उन्हें भी काफी लड़ाई लड़नी होगी, और आखिर में उनकी ही विजय होगी। कितना सटीक लेखन किया था। और आज हम देखते हैं कि गांधी ने लंबी लड़ाई लड़ी, देश को आजाद करवाया। सबसे बड़ा बात है कि दुनिया को एक मार्ग दिखाया, सत्य का, अहिंसा का, सत्याग्रह का। अपनी बात
लोगों तक पहुंचाने के लिए सत्याग्रह काम में लेने का एक मार्ग दिखाया। प्रेमचंद गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे।